नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नए संसद भवन के निर्माण के लिए गुरुवार को शिलान्यास हो गया। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई। इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के धर्म गुरु मौजूद रहे, जिन्होंने प्रार्थना की। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। देश में अब भारतीयता के विचारों के साथ नई संसद बनने जा रही है। हम देशवासी मिलकर संसद के नए भवन को बनाएंगे। जब भारत अपनी आजादी के 75वें साल का जश्न मनाएगा, तब संसद की इमारत उसकी प्रेरणा होगी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम अपने लोकतंत्र का गुणगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही है जिससे सांसदों की दक्षता बढ़ेगी। उनके वर्क कल्चर में आधुनिक तौर तरीके आएंगे। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पॉलिसी में अंतर हो सकता है, पॉलिटिक्स में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम जनता की सेवा के लिए हैं। इस अंतिम लक्ष्य में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। बताया जा रहा है कि नया संसद भवन अगस्त 2022 तक तैयार होगा। सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। हालांकि इंडिया गेट के पास सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के तहत बन रहे नए भवन के इस कार्यक्रम में बस प्रतीकात्मक तौर पर शिलान्यास किया गया। इसका निर्माण कार्य अभी नहीं शुरू हो सकता है क्योंकि इस संबंध में एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।